जय हिंद स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने ओ ए बी और सी लेवल के थ्योरेटिकल एग्जाम जो कि एमसीक्यू पैटर्न पर थे वो अब आप लोगों ने दे दिए होंगे, और अब आप लोगों को नेक्स्ट अगले फेज में ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो हमारे पास नोटिफिकेशन एलर्ट का आ गया है। अब इस बार जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी डेट भी फाइनल हो गई है। ये 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक चलेंगे। इनके एडमिट कार्ड जो है आपके 6 सितंबर तक पब्लिश किए जाएंगे। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है वो भी जान लीजिए। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के पास इतना करना है कि एक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 6 सितंबर के आसपास, और उस एडमिट कार्ड में आपको एक एग्जामिनेशन या एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा। आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को सेम जैसे आप लोगों ने एमसीक्यू वाले थ्योरेटिकल टेस्ट में आप लोगों को अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड लेके गए, सेम उसी तरीके से आपको वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। प्रैक्टिकल टेस्ट होता कैसे है वो भी देख लीजिए। इसके लिए नेलेट ने पहले प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड्स के साथ साथ आप लोगों के थ्योरी वाले जो पुराने पेपर थे वो नेलेट पब्लिश करता था अपनी वेबसाइट पर। अब नेलेट ने वो भी पब्लिश करना बंद कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर सेंटर में जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो सारे के सारे एडमिट कार्ड्स के साथ साथ हम लोग बच्चों के ये सारे ओरिजिनल पेपर्स भी डाउनलोड करके रखते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट जो बच्चे हैं उनको आसानी रहे। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन के होम सेक्शन पे जाके ओ लेवल सर्च कर लीजिएगा, और आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन में जैसे ही आप लोग ओ लेवल के नाम से सर्च करेंगे आप लोगों को सारे जुलाई वाले पेपर्स मिल जाएंगे। जनवरी बैच भी चालू हो गया है, और जुलाई वाले बैचेस में अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास गेस्ट पेपर भी है और साथ ही साथ ओरिजिनल पेपर भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को M1 के प्रैक्टिकल देने हैं, तो आप जैसे ही M1 वाला पेपर्स ओपन करेंगे कंटेंट, तो कंटेंट के अंदर आप लोगों को एक अलग से फोल्डर दिखाई देगा जो न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल के लिए बना है। ये सभी चारों पेपर्स के लिए अलग अलग हमारे पास अवेलेबल है। तो आपने जो नोट्स ले रखे हैं बच्चों हमारे एप्लीकेशन से, उसी के अंदर ही आपको ये प्रैक्टिकल वाला फोल्डर मिल जाएगा। आप इसे ओपन करिए। इस प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में बस आपको कितना पढ़ना है, बहुत ही मैं कंसाइज बता रहा हूँ, उतना ही पढ़िएगा। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फ्रंट पेज कुछ ऐसा आएगा जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल के एग्जाम्स देने के लिए एग्जामिनर और सिग्नेचर्स और ऑब्जर्वर ये सभी कुछ रहेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ये खाली रखना है। आप लोगों को बस इतना बता दें ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स 100 मिनट का होता है और इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको थ्योरेटिकली 80 नंबर्स और वाइवा के 20 नंबर मिलते हैं। तो आप लोगों को बच्चों पहला काम तो ये करना होता है कि इस पेपर में 3 क्वेश्चंस देने हैं। तो लास्ट जो 2 पेपर्स हुए हैं जो कि लेटेस्ट वाले मैंने आप लोगों के यहाँ पे डाल दिए हैं, ये Jan 23 और उसके पहले July 22, बस ये दोनों आप कर लीजिएगा जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पेपर्स के कई बैचेस बनेंगे। और एक चीज़ और, हाँ, जैसे जैसे आप लोगों का पर डे का प्रैक्टिकल्स होते रहेंगे, हमारे सेंटर पे भी होता रहेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फोल्डर बना के रखूँगा जो कि होगा July 23 का। उसमें आप लोगों के लेटेस्ट प्रैक्टिकल पेपर्स जो अभी हालिया सुबह हुए दोपहर में हुए वो सब अपडेट होते रहेंगे ताकि नेक्स्ट बैच वालों को आसानी मिल जाए। अब एक चीज़ और देखिएगा, जब ये प्रैक्टिकल पेपर्स होंगे तो प्रैक्टिकल पेपर्स में पेपर कुछ इस तरीके का रहता है और आपको उसके आंसर्स करने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पेपर भी कहो इसमें आपको पूरा एग्जैक्टली वैसा ही मिल जाए। हाँ, ये रहे। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पेपर्स हैं, उस क्वेश्चन पेपर्स में page 1 पे दिया गया है आपको ऐसा ड्रॉ करके लाना है। ये S13 बैच का था तो आपको बोला गया राइटर में, हाँ एक चीज़ और, इसमें लिब्रा राइटर ही यूज़ होगा M1 में, तो आपको दिया गया है ये ऐसा ड्रॉ करके लाना है, तो आप लोग इसे ड्रॉ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था कि ये आपका कैल्क की शीट है, इसमें पूरा इस तरीके का बनाना है। और साथ ही साथ आप लोगों का थर्ड पेपर में आप लोगों को दिया गया है कि इस तरीके से फोल्डर्स बनाने हैं। तो आप लोगों को इन सभी के PDFs और वीडियोस भी इसी में अवेलेबल हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नीचे मैंने आंसर्स में पूरा PDF में बना रखा है आप लोगों के लिए कि इस तरीके से कैल्क वाली शीट पर पूरा डिज़ाइन करना है। ये कंप्यूटर पे करके भी दिखाना होता है बच्चों, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इनको कॉपी में लिखें कैसे। तो हमने बच्चों को लिखने के लिए पूरी शीट दे रखी है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन था उसको ऐसे कॉपी में पूरे सॉल्यूशंस के साथ इस तरीके से लिखिए। तो आपको जो आंसर शीट मिलेगी यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में आपको लिखने के लिए एक खाली पेज भी दिया रहेगा, आपको अपने आंसर्स उसी पर लिखने होते हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों का ये जैसे कि ये बच्चों का आया हुआ था पेपर्स की प्रेजेंटेशन बनानी है स्लाइड्स की, तो आपको इस तरीके से स्लाइडें बनानी भी होती हैं और कॉपी में लिखनी भी होती हैं। 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उसके बाद एक छोटा सा वाइवा टेस्ट होता है वो देने होते हैं।
तो आप लोग अगर इन दोनों फोल्डर्स को देख लेंगे तो आप लोगों का कोई भी प्रैक्टिकल होगा वो आराम से निकल जाएगा। और बीच बीच में जो अपडेट्स हैं मैं आपको यूट्यूब के मार्फत बताता रहूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर।